Hello students, I am the teacher to this question and let me explain this question to you. Now, the question says, explain the following, acid, salt. तो इस question के अंदर हमें पूछा गया है कि acid, salt क्या होता है. In other words, हम इसको acidic salt भी बुला सकते हैं. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि salt क्या होता है और वो कैसे बनता है. Right, अब देखिए salt neutralization reaction से बनता है. Salt कैसे बनता है? As a result of neutralization reaction, right? और neutralization reaction क्या होती है? एक ऐसी reaction जिसके अंदर acid base के साथ react करता है और as a result हमारे पास neutral substance बनता है, that is salt. और साथ में क्या बनता है? Water. साथ में क्या बनता है? Water. For example, अगर मैं एक base ले लूँ NaOH और एक acid ले लूँ HCl, तो हमारे पास क्या बनेगा? NaCl plus H2. अब देखिए NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो तभी ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं और हमारे पास एक न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है. बट अगर मैं यहाँ पे आप कहो कि अगर मैं यहाँ पे लेट्स से एक वीक एसिड ले लूँ, लेट्स से मेरे पास एक वीक एसिड है और यहाँ पे मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लूँ, लेट्स से NaOH, और इनको जब मैं ट्रीट करूँ तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर पाएंगे और हमारे पास क्या बनेगा? CH3CONa plus H2O. और इसका नेचर क्या रहेगा? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस था तो इसका जो नेचर होगा, ये सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होगा. दिस सॉल्ट विल बी अ बेसिक और यू कैन से अल्कलाइन सॉल्ट, मतलब इसमें बेसिक करेक्टर होगा. तो दैट मीन्स ये न्यूट्रल सॉल्ट नहीं होगा. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक वीक बेस ले लूँ, लेट्स से NH4OH, दैट इज वीक बेस, और इसको मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ट्रीट करूँ, राइट, तो इसके अंदर मेरे पास क्या बनेगा? सॉल्ट NH4Cl plus H2O. तो ये जो सॉल्ट होगा मेरे पास, इसके अंदर आप कह सकते हो ये सॉल्ट के अंदर कुछ एसिडिक करेक्टर रहेगा क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है. So this salt will be acidic in nature because it is formed of strong acid and weak base. So aise salt jinke andar acidic character ho, matlab they are slightly acidic because they are formed of strong acid and weak base, those are called as acid salt. So I think you got it. Isko sum up karne ke liye hum likh sakte hain, acid salt ek aisa salt hai, acid salt is a salt which is formed from a strong acid and weak base and as a result it possesses the acidic nature. That's all the explanation to the question. Thank you.